ये अल्लाह का करम है, लोग पैसा दे के मौज करते हैं। अल्लाह ने अगर हमको बगैर पैसे का मौज करो, पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। एक जाता फिर तीन चार गाड़ियाँ गुजरती हैं, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की बारी। जमीन भाई को पता ही नहीं कि सो रहे हैं, सुबह बताओ 8 बजे बुक कर रहे हैं। जमील भाई हाँ। क्या बोल रहे हैं? आज बुलाए थे ना, तभी मेरे तुम पे भी कॉल आई थी 8:30 बजे। जमील भाई के बेटे को बोला कि हम इसलिए कर रहे थे तुम्हारे अंकल को नाश्ते भाई। रे सच के जाओ अंकल के छोड़ू तो हम भी, हमारे भी लाठी निकल आए यार। बोले अंकल, वो अंकल को बुला रहे थे। देखिए ये और बिजीएस्ट है। हाँ बड़े मजे की बात बताऊँ, ये पहले जो बंदू वाला था रोता था कस्टमर के लिए, आ जा रे कोई कस्टमर आ, कोई नहीं आता था। तो ये इसने दे दिया किसी और को, जिसको दिया उसकी तकदीर ऐसे चमकी। हाय 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 हाय, ये रोजी तो आदमी की किस्मत से आती है। जी हाँ, उसकी किस्मत की रोजी लगती थी अल्लाह ताला ने उसको दिला दी। मामूली नहीं है, धूम धड़क्के से। अब देखिए 12 बजे रात तक लोग खड़े हुए, यानी 1 घंटे का टाइमिंग, 1 घंटे का वेटिंग। चूंकि देसियों का है, अब देखिए ये है बाइक का, इसको कोई फिक्र नहीं है पार्किंग का। दीवान में रशिया लाके भूल रखती है भाई, क्या भी रखा हुआ देखो। हम तो बोलते हैं रिक्शे का रशिया चला दे, अच्छे हमारे लिए। रिक्शा तो है यहाँ, मगर उसको फन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना। आपने देखा नहीं उसको वहाँ पे? हाँ तो हमारी बेगम बरसों से बोल रही है कि चलो हम आपको वीडियो बनाना, हम चले हैं। बोले हम चलेंगे कल, कल किसी की बस बस रोक दीजिए, रोक दीजिए सिटी बैंक के साथ। सिटी बैंक तो जाती है, साइकिल भी चला रहा है, शेक भी पीते हुए जा रही है। हाँ वो जा रही है, ये जा रहा नहीं पता जा रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, अरे फ्राक पहन, समझाओ यार। बोले फ्राक पहन ही तो, यहाँ फ्राक भी पहनते हैं वो। ये देखिए अब ये कौन है, जा रही है जा रहा है, ये तो आदमी है बेचारा। अब देखिए ये बेगर है, यहाँ से भी मांगता है वहाँ से भी। वो देखिए ग्रुप है, होमलेस प्लीज। हम लोग बाहर से आए हैं, हाँ हम लोग नहीं बोलते ये, मगर ये यहीं पैदा हुए हैं बोलते हैं हम, क्योंकि ड्रगी होते हैं, ड्रगी। हाँ हद से ज़्यादा हो गया, सही कहा, हद से ज़्यादा नहीं हुआ, बस अच्छा हो गया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं भी आपकी तरह सीख गया। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। बस मैं ये सीख लूँ कामयाब हो जाऊँगा। और दूसरा सवेरे उठना, कल तो आपकी ओपीडी बंद होगी ना? कल नहीं होगी, लेकिन बस वो आदत हो गई उठने की। सवेरे उठ के यार मुझे भी बोले, उठ के बोले, मैं इनकार नहीं करता किसी की बात को। जैसे अगर आप बोले चलो, देखिए लोग मतलब गश्ती करने यही रहती है, पाकिस्तानी स्टाइल में। हाँ यही रहती है, महंगा एरिया होगा क्या? हाँ महंगा एरिया होगा ये, प्रॉपर्टी के हिसाब से। हाँ हाँ इसमें 70% लोगों को हम जानते हैं। आपको सब जानते हैं, आप सबको जानते हैं। हाँ हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, बल्कि वो ज़्यादा जानते हैं। तो बस इनमें अंदाजा हो गया। हम चैन से नहीं बैठते ना कहीं पे, मगर इज्जत के साथ।
नहीं बोला ये दीवान का एरिया भैया, उर्दू वाला दीवान भी इंग्लिश वाला दीवान भी, यहाँ पे भी कैमरा था, यहाँ यहूदी का एरिया है। अच्छा। बंद करो तेरी ABCD XYZ निकाल दिया, क्योंकि यहूदी के बच्चे निकलते हैं ना, निकाल दिया। वो पीछे जो एरिया है इंडियन पाकिस्तानी का एरिया है, फकीर लोग इसको टाइट करके रखो। ये सिटी फ्रेश मार्केट है, अगर आप यहाँ रहते हम दोनों भाई मिलके इसको खरीद लेते। मैंने महसूस किया आप माशाल्लाह मेहनती हैं, और मेहनती के मतलब सवेरे उठने वाले जो सुबह उठते हैं बरकत भी होती है। बरकत होती है, मैंने तो बरकत को लॉकअप करके रख दिया मगर अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाम होगा, मगर ये भी तो यार अगर इसको प्रोफेशनली ले हम वीडियो को, तो आप तो 50 मरतबा बोल चुके हैं। हाँ मैं तो कल करूँगा बस। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का है अमेरिका, शिकागो में कंस्ट्रक्शन इज अ ह्यूज बिजनेस। ओह अच्छा, वजह ये है कि यहाँ स्नो होती है ना, और कंस्ट्रक्टर लोग रोड भी बनाते हैं थूक लगा के। हाँ क्योंकि दोबारा आएगा ना, अगर एक मरतबा स्ट्रॉन्ग बना दिया तो ये तो किचन का सवाल है बाबा। नहीं इधर से राइट में तोड़ दिया गया, लिखा हुआ नो टर्न ऑन रेड। आप ऐसे करते हो केयर में? नहीं नहीं ऐसा देख रहे उधर जैसे अभी दौड़ेंगे? नहीं उसको देख रहा हूँ टेढ़ी रोड़े कहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। नहीं 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 आप ये वो टेढ़ी नहीं है, वो डायगनो है ऐसा मैं रोड को ब्लॉक कर आगे मारे आगे से चला। नहीं नहीं वो मारेगा नहीं, वो समझ जाएगा कि ये है कोई पाकिस्तानी। नया पंछी नहीं है कोई पाकिस्तानी, अब देखे ना उसने वक्कास को क्या बोला, गुड लक अमेरिका, क्या बोला गुरे, वेलकम अमेरिका। ओ पता नहीं आज तुझसे पहले का आया हुआ है वो इधर, वो शक्ल देख के धोखा खा रहा है। सीना ढूंढ ले जमाना मेरे दा, यार आपने याद दिलाया यार, कोल्ड ड्रिंक मैं भी पी लूंगा आपके साथ कल। अबे पूरी बात सुना करो यार, मुझे बना के दे देना यार, 2-3 कप में आप मेरी तरफ से पी लेना। पंजाबी सॉन्ग मालूम है? नहीं मैं समझ जाता हूँ, बोल नहीं सकता यार। आप क्या जिंदगी यार, आप सिवाय क्लिनिक डॉक्टरी मेडिकल के अलावा फन। मैं 25 साल मैंने प्रैक्टिस की है, मेरा क्लिनिक मेरे घर के बराबर में था, और रात में हमको नहीं होता था कि हम लोग ही नाइट करते थे मैं और वाइफ, तो कभी अगर वाइफ का केस आएगा तो हम पूरी रात उसके साथ जाग रहे, मेरा भी केस आएगा तो वो मेरे साथ जाग रहे, और उसके ही केस आता था फिर मैं जागता इंतजार करता रहता था कि कब फारिग हो गई। बस यही है लाइफ, क्योंकि बच्चा डिलीवरी होती थी बच्चों को मैं चेक करता था, ये वैक्सीन लगाना बच्चे को सारा ट्रीट करना। यार वो बड़ा अच्छा था, 25 साल हमने ऐसी टफ लाइफ गुजारी, वही तो मैं कहता हूँ कि हम ना घूमे ना फिरे, बस हम लगे रहे घूमने फिरने का वक्त आया। दो के पहाड़े के साथ, दो का पहाड़े का मतलब गिनते रहे बस। हाँ गिनते रहे नहीं गिनते का मतलब अल्लाह के बच्चों के लिए बस वो स्ट्रगल करते रहे। हाँ बच्चों को अच्छी जिंदगी दी, अच्छी पढ़ाई दी, अच्छे
नहीं गिनना तो अच्छी बात है, इस्लाम में भी गिनना, कुरान भी गिनती है, गिनना तो अच्छी बात है। इसलिए जो आदमी को पता नहीं था लाइफ में कब चेंज आएगा जी, हम तो सोचते हैं हमारी ज़िंदगी तभी शुरू होगी आखिर तक भी चलेगी। नोबडी नोज, नोबडी नोज, सही बात है। लेकिन वो यही ट्रेंड होता है ना कि एक उम्र होती है उसके बाद आदमी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कुछ होने वाला। हाँ, मगर पता क्या, इसीलिए जब हमको पता लगे कि ज़िंदगी का एक दिन खत्म खात्मा है तो फिर इसका मकसद क्या हुआ, इस बात का मतलब डॉक्टर साहब क्या हुआ? बच्चों से यही कहता हूँ कि वक्त के साथ जो चीज़ें हो, जो भी इंजॉय कर सको, जो भी चीज़ें आज के वक्त को इंजॉय कर, बस कल की फिक्र नहीं करो। हाँ, कल किसी ने जी जैसे हमारी रवा का माशा ये बिल्कुल सही उनका है कि जो आज है ना उसको एंजॉय कर लें, आज हम रह रहे हैं अच्छे से अच्छे। हाँ, इसलिए वो बचत की फिक्र नहीं करती कि बचत करे ना, खर्च दमा दम दम दमा दम हातिम ताई के बच्चा अच्छे लगता है भाई, हमें रौनक तो हम खुश होते हैं। हम क्यों खुश होते हैं यार, जो इंजॉय आज आपने किया ना वही आपका, आपको नहीं पता कल का। मेरा भाई अभी देखिए ना, आप बोल लेना कि सुबह शाम दोपहर रात 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 सुबह, यही तो समझा देता हम लोग आगे कि नींद पूरी करो, अपना काम करो, नींद भी पूरी करो, आराम का भी ख्याल रखो। लेकिन वो हमारे समय लाइफ में इमरजेंसी बहुत थी, और वो चूँकि गायनी में थी ना तो उसका तो पता ही नहीं था कब कोई डिलीवरी आ जाए, कब इमरजेंसी आ जाए। नहीं मगर स्टाफ में मैंने मेरे मैंने बोला ना वो अतिया, मैं उनको सबसे ज़्यादा करीब से जानता हूँ, वो भी गायनिक की थी, उनकी एक बेटी चंदा जो है वो भी गायनिक की है। तो ये मगर इनका स्टाफ है वो तो नहीं, इनका असल में ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट, पेशेंट आ गया तो बस वो पेशेंट का कंटिन्यू लगा रहता है, एक टाइम में भी पेशेंट को छोड़ना नहीं है, स्टाफ पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा अच्छा, बस उस वजह से। हाँ ये है, मगर असल में ये कि पेशेंट, यही वजह थी कामयाबी की भी कि पेशेंट के साथ हम लगे रहते थे। हमने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मैंने कहा ना कि मुझे हैरत हो रही थी, मैंने कहा यार हम लोग को तो लोग जानते ही नहीं होंगे, जब जनाजा हुआ बिलीव करें वहाँ मस्जिद उसमें हुआ था, मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितने लोग उस जनाजे में आए हुए थे। फिर मुझे बाद में बहुत सारी चीज़ें नज़र आई इसकी नेकियाँ ना, कभी कोई आ रहा है तो कुछ बता रहा है, कभी कोई आ रहा है तो कुछ बता रहा है, वो खामोशी से कभी उसने मुझे भी नहीं बताया कि क्या नेकियाँ कर रही हो, किसका घर चल रहा है, किसको फ्री में डिलीवरी करा दी, इसकी फ्री में डीएनसी कर दी। मैं तो हिसाब किताब करता हूँ। शुक्र है उस वक्त हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई। हमारे पास कुछ लोग हैं जो डिजर्व करते थे। नहीं वो तो बहुत पहले बताया ना, डिजर्व करते थे वो लोग, तो हम तो उनको वही अतिया ही अतिया की तरफ भेजा जाते थे वो, और वहाँ महंगा तरीन डिलीवरी है। अब यहाँ पे इस एरिया में ना हमारा कंपटीशन किसी से नहीं रहा, लोग दालू से छोड़ के आगे बतूक था वो छोड़ के हमारे पास आते थे। जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद सबको फ्री हैंड मिल गया, उस पूरे एरिया में हमारी पट्टे हमारा कंपटीशन किसी तो किसी को फिर रखने की नहीं। इसमें वो असल बात है कि वो भी आएगा ना वो आपके साथ मुखलिस नहीं होगा, मतलब ये कि आपकी अपनी चीज़ें आप दिन रात लगे नहीं, मगर आप कंट्रोल्ड बाय यू, आप कंट्रोल तो आप, जैसे मैं डॉक्टर से मैंने कहा कि भाई आप उनकी जगह ले रहे हैं तो आपको मुकम्मल फुल फ्लैश टाइम देना है। मैंने कह रहा हूँ आप अपने टाइम पे आएंगे उस टाइम पे, जो मैंने कहा इस तरह तो नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं अपने टाइम पे आएंगे, अपने टाइम पे आएंगे, कोई ऑफ टाइम में आएगा तो आप अरेंज करें। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, मैं तो नहीं करा सकता ना, मेरा तो है ही नहीं फील्ड। उनका ये था कि जब आ गया पेशेंट तो कंटिन्यू, जब तक वो फारिग नहीं हुआ लगे। हाँ बस वही मसला, जान छुड़ाने वाली चीज़ है। शुरू के दो साल तो मैंने किसी को वहाँ पे बैठने की परमिशन ही नहीं दी उस कमरे में ना उस सीट पे, मुझे अच्छा ही लगता था। फिर मैंने कहा यार ये सारा वो है तो इससे बेहतर है कि आदमी स्टार्ट करें। तो वही डॉक्टर आते रहे अपना टाइम, एक एक साल हो गया प्रैक्टिस करते, पेशेंट नहीं बनते, वजह ये कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे। नियत 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 भी खराब, इधर से रखिएगा ये राइट पे, ये इधर लेफ्ट दिखा रहे हैं। नहीं आप राइट पे रखिएगा, अब सीधा जाइएगा, वो उल्टे वाला अब सीधा सीधा सीधा। आप हमारे साथ है ना तो ये GPF का बाप है। हाँ जैसे हम लोग कराची की सड़कों को जानते हैं, हाँ वहाँ पे हम लोग गूगल को नहीं यूज़ करते, अपना दिमाग यूज करते हैं। हाँ लेफ्ट। अगर ये मस्जिद बन जाए तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है बताइए? मस्जिद बन जाए, हाँ ये अगर हम लोग ले लें सेंटर में यार, चार तरफ से अच्छा वो होगा, इसका इम्पैक्ट अच्छा है।
हाँ लोगों में दावत का काम, इंटरेक्शन इंटरेक्शन, लोगों का आना जाना, हाँ दावत का काम, और वो भी अगर हमारे हाथ में हो तो ज़्यादा अच्छा। हम पहले बना रहे थे ये मस्जिद, हम बना रहे थे कि अचानक पाकिस्तान जाना हो गया। जो मस्जिद सुना है ना ये, तो पाकिस्तान जाना हो गया। हम जाते भी पाकिस्तान है ना तो घोड़ा बेच करके रहते हैं वहाँ पाँच पाँच छः छः महीना, तो यार पाँच महीना से ऊपर। देखिए इनका, इनके बस में हो पौने बारह महीना रह कर क्या है। क्या कह रहे हो आप, लोग ज्यादा है, बहुत दिन लगता है उस पर रखिएगा अपने आप को दूसरे वाले। हाँ जाते भी हम तो जा रहे हैं वहाँ पे, इतने लोग नजर आते थे काम करने का, बेचारे पे गरीब है उसकी हेल्प कर दी। फिर भी 50% लोगों से नहीं, हाँ इस रोड पे जाना, हाँ उधर ही जाना। हमने स्पेशली रखा कि वो गाड़ी जो है ना, वो वाला जो है ना, आगे चल के एवेंचुअली कितने लोग रह जाते हैं मिलने के लिए, जो मिलते। फिर भी 50% लोग रह जाते हैं। मैं तो जाते ही कोर्ट को ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ इस मरतबा तो खास कैसा हुआ, जमात इस्लामी का रात को जमात और दिन में कोर्ट। हाँ, इस दफा तो आपको उसमें लगे थे ना, इसमें नहीं, सीधा रखिए, सीधा धरने में रखे थे नहीं, धरना रात को और दिन को कोर्ट। कोर्ट में होता ये था कि सुबह 8 बजे पिक करने हमारे दरवाजे पे बस। अब आप सोचिए उससे पहले हम उठते होंगे, नहाते होंगे, नहाना जरूरी है। खुद से जाना हो तो बोले कल जाएंगे। सही। तो मगर उससे फायदा भी हुआ, अब वो पूरी हमारी कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। मगर आप लोगों की तरह कंपनी हमारी नहीं है, वो हमारी कंपनी नाम का है। यानी खाएंगे सब। ये तो मिसेज ने हमें जोर दिया तब 2 पैसे आए, वरना मेरा पैसे का भी हिस्सा वही लोग खा जाते हैं। देते नहीं थे ये, मैं कहा भाई यहाँ करते थे, इतनी मेहनत करते हैं, पूरे 8-9 घंटे लगा के आ रहे हैं, सुबह 8 बजे गए, 4 बजे आ रहे हैं, तो कोई फायदा तो पहुँचो। और कैसे आते थे यार, भरमाल लगा रहता था माशाल्लाह से। और वो वकील लोग याद करते, बोलते असलम भाई आपके पास कहाँ से आते हैं। मैं कहते ना चल के आता है। मैंने वो नहीं, मैं बोलता हूँ बच्चू अपनी नीयत को साफ रखा करो, जल्दी केस ट्रायल किया करो। केस तुम देर से करते हो, देर से होता है ना, डिलेइंग लटकाते हैं। मैं लटकाने का कायल नहीं हूं, से राइट ले लीजिएगा। आपके हाथ होते हैं, जजों के हाथ होते हैं मोस्टली, वकील के हाथ पे मोस्टली, जल्दी करा सकते। हाँ जैसे मैं जाता था ना, मैं जज को बोलता था व्हाई टुमारो, व्हाई नॉट टुडे, व्हाट इज प्रॉब्लम टुडे। एक सवाल, इफ यू हैव एनी लीगल इशू देन आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, अदरवाइज टेल मी व्हाई डिलेइंग जस्टिस। डू यू नो डिले जस्टिस, डिनाई जस्टिस, ये मेरे पैटर्न वर्ड है। राइट, तो जजेस खुश होते थे, मोस्टली जजेस हमको बोलते थे आई वॉन्ट टू हियर यू, बस सुनना चाहते हैं हम आपको, यहाँ आओ। एक तो मोस्टली जजेस हमारे दोस्त थे जो हमारे साथ वकालत करते।